अस्सलाम वालेकुम, मैं फिर आ गया हूँ नए ब्लॉग पे। आज हम आए हैं कैंट स्टेशन साइबर मेल में। दो बोगियाँ लगी हुई हैं हैप्पी क्रिसमस डे, और आज हम आपको इसका विजिट करा रहे हैं। आइए आप भी इंजॉय करें। और हमने ईमान की रूह से बहुत सारी बरकतों को इन खासों के वसीले रिसीव किया। अब हम खुदाओं के खादिम पास्टर साहब से, पास्टर जुवेद साहब से पूछते हैं कि उन्होंने कैसा फील किया, क्या उन्हें शहर कराची में आकर अच्छा लगा, तो वो अपने ख्याल हमसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। मसीह में आप सबको की शांति हो। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 12 बजे से हम एक खूबसूरत ट्रेन जो प्रेयर ट्रेन है लाहौर से रवाना हुई और कराची तक हम पहुंचे, और हर स्टॉप पे हमने रीडिंग दी, खुदा के कलाम की खुशखबरी को बयान किया, दुआएं की। और जब हम कराची पहुंचे तो हमारा दिल खुशी से भर गया, क्योंकि कराची वालों ने कमाल कर दिया, अपनी इतनी मोहब्बत दिखाई कि हम कभी उस मोहब्बत को भूल नहीं सकते। उस कलाम को पूरा किया जो खुदा ने हमें सिखाया है कि एक दूसरे के लिए बरकत चाहो और एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे की इज्जत करो। हम कराची वालों भाइयों का, बहनों का, तमाम उस्ताद का, तमाम खादमीन का तय दिल से शुक्रगुजार हैं हम। खुदावंद उनको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करे, और कराची में एक बहुत बड़ा रिवाइवल आए। हमारी दुआ है कि कराची दिन ब दिन रात दुगनी तरक्की करता जाए। आमीन। यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हो गया है आमीन।
दिखाता है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजदे होते हैं। हमारा ईमान है कि जो हम जमीन पर बांधते हैं वो आसमान पर बन जाता है और जो आसमान पर बांधते हैं वो जमीन पर बन जाता है। इस कलाम के वसीला से खुदा ने हमारी दुआ को सुना है और कबूल किया है और जैसे कराची के लोग चाहते हैं उनके लिए हो खुदा ने वैसा ही किया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। लाजमी कमेंट्स करिएगा ताकि हमें मालूम हो सके कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। सारे चल रहे हैं।